आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नजीर। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल नजीर कुरैशी के साथ, देख रहे हैं अपना कार्यक्रम आज सुबह। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। दरअसल हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था भारत निर्वाचन आयोग, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। बहरहाल 25 जनवरी 2011 से इसको मनाना शुरू किया गया मतदाता दिवस के रूप में, ताकि मतदान के लिए जागरूकता पैदा की जाए। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। भारत विविधता में एकता की मिसाल है, और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, संस्कृति में भी है, स्थानों में भी है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं घने जंगल, कहीं रेतीले स्थान तो कहीं पर समुन्दर, कहीं भांगड़ा तो कहीं कालबेलिया, कहीं पीहू, इसी तरह के तान छेड़ते हैं। और ये सब मिलाकर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं हमारे देश की तरफ। तो इसी उद्देश्य से, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। याद रहे, पर्यावरण हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार भी है। और अब बात देश के सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न की। 1980 में 25 जनवरी को ये पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को, और 1983 में दिया था भूदान आंदोलन के विनोबा भावे को मरणोपरांत। 25 जनवरी 1971 के पहले तक हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश था, किंतु 1970 में हिमाचल राज्य अधिनियम पास किया गया संसद में, और 25 जनवरी 1971 से हिमाचल को पूर्ण प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। इस तरह से हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है 25 जनवरी। रूस के मास्को शहर में मास्को विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 1755 को, और इसे शुरू करने वाले थे मिखाइल लोमोनोसोव। बाद में इस विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर कर दिया गया। आज जन्मदिन है बॉलीवुड की मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति का। आपका जन्म 25 जनवरी 1958 को दिल्ली में हुआ। कई बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजी गई, और 2005 में आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया। लव स्टोरी 1942, याराना और खामोशी देवदास आपकी प्रसिद्ध फिल्म है। आज के आज सुबह में सिर्फ इतना ही। कल सुबह फिर हाजिर होंगे आज सुबह लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और एक बार फिर गुजारिश कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें अपने दोस्तों और साथियों के बीच। जय हिंद।